अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सबकी दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश आबाद रहें। डिश का आगाज करते हैं हम अपनी। आज हम जो डिश बना रहे हैं उसका नाम है शब्देक। तो इसके लिए जो हमें एक पाव कीमा चाहिए और हाफ के जी मटन चाहिए। और इसके बाद जो कीमे में चीज़ें पड़ेंगी वो हरी मिर्च है और कुटी मिर्च और जीरा है। जब मैं डालूंगी तो आपको बताऊंगी। और ये बादाम पिसे हुए हैं। जब डिश शुरू करूंगी तो फिर मैं आपको मसाले बाकी के बताऊंगी। गाजर है या बड़ी दो गाजर ले लें आप और चार से पांच शलजम है छोटी दरमियान। गाजर और शलजम को ना फ्राई करके निकाल लेंगे। वो जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, मटन का कीमा एक पाव है और कुटी हुई हरी मिर्च जो है 1 टेबल स्पून है बिल्कुल बारीक चॉप्ड, और कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, 1/4 गर्म मसाला है और 1 टीस्पून लेमन जो है जीरा है और 1 टेबल स्पून बादाम है। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। नमक हंसते जायका। ब्रेड क्रम्स जो मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून फुल भर के, अगर ये नहीं है आपके पास तो 2 डबल रोटी की स्लाइस आप मिक्स कर सकते हैं। भिगो के पानी निचोड़ के इसमें मिक्स कर दें। मैं जो ब्रेड क्रम्स यूज कर रही हूँ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर छोटे छोटे इसके गोल गोल कबाब बना के इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। इसके बहुत बड़े बड़े कबाब नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे। इधर में देखें इस तरह ना। इस तरह के हम सारे कबाब बना लेंगे जितना हमारा कीमा उसके। बस दरमियाने बनाने, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये जो हमने गोश्त लिया था 1/2 केजी, इसको हमने आधा जो गला लिया था, बाकी हम मसाले में आधा गलाएंगे। 2 टेबल स्पून इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, आप अपने हिसाब से डालिएगा मिर्च इसमें 1 टेबल स्पून, क्योंकि शलजम भी मीठी होती है और गाजर भी, तो इस वजह से इसमें मिर्च जो ज्यादा पड़ेगी। और 1.5 टेबल स्पून जो कुटा भुना धनिया, ये 3 मीडियम प्याज है, इसको ब्राउन करके पीस लिया था। ये मैं बताना भूल गई थी आपको जब मैं चीज़ें दिखा रही थी आपको, तो ये 3 मीडियम प्याज है, इसको ब्राउन करके पीस लिया। ये हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भून लेंगे मसाले ताकि इसका जो कच्चापन खत्म हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही जो पूरा 1 कप है, इसको अच्छी तरह से फेंट के फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे। फिर दही के साथ ही इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और गोश्त को थोड़ा गला लेंगे, जो हमारा हाफ डन है तो हाफ और डन कर लेंगे भून के अच्छी तरीके से। नमक गोश्त को गलाते हुए भी हमने थोड़ा डाला था, तो अभी इस वक्त भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसको ढाप के पकने रखेंगे, थोड़ा सा भून के फिर पानी डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भून लिए। अब जो हम इसमें शलजम और गाजर डाल देंगे जो हमने अभी तक फ्राई कर लिया था इनको। ये देखें गोश्त में जो थोड़ी बहुत हमारी कसर है वो इसके साथ ही हो जाएगी, पूरी गल जाएगा गोश्त भी इसके साथ। कोफ्ते हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे दम के। इसको ढककर पकाएंगे हम। ये देखें गोश्त भी गल गया, जो थोड़ा बहुत रह गई थी कसर गोश्त भी गल गया और शलजम गाजर भी गल गए। तो अब हम दम पर इसके हरा धनिया हरी मिर्च और कोफ्ते डालेंगे।
ये कोफ्ते डालेंगे, इनको हमने फ्राई कर लिया था। ये थोड़ा से अदरक जूलिन डालेंगे, गरम मसाला बिल्कुल लेवल करके 1 टीस्पून पिसा हुआ, और ये हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च। ढककर इसको 5 से 10 मिनट दम देंगे धीमी आंच पे बिल्कुल। देख हमारे तैयार है, अच्छे से इसमें हरी मिर्ची हरा धनिया की भी खुशबू आ गई है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये देखें, ये हमारी डिश तैयार है, इसको हम अब सर्व कर रहे हैं। बाकी जो वो है वो मेरी बेटी बोलेंगी। आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार है, आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक और मजे की रेसिपी है। तो ये हम इसको सर्व कर रहे हैं अभी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।